हेलो दोस्तों, आपने मुझे मेरी एसी वाली वीडियो को काफ़ी प्यार देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो आप लोगों में से किसी एक भाई का रिक्वेस्ट आई थी कि आप IFB के इस रिमोट के लिए एक वीडियो बनाएं, तो आज ये एक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। ये है IFB गोल्ड सीरीज़ का एक रिमोट, एसी का रिमोट है ये। देखिए, नॉर्मल रिमोट से थोड़ा सा डिफरेंट रिमोट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने इसको खोला है, ये कुछ इस तरह से इसका लुक एंड फील है। प्लास्टिक बॉडी में ये रिमोट है और ये काफ़ी ठीक है, अच्छा डिज़ाइन है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट डिज़ाइन है नॉर्मल एसी के रिमोट से। इसमें वो रेडियम बटन टाइप तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी कूल है, ठीक अच्छा रिमोट है। इसके आप ऑन बटन करते ही इसमें स्क्रीन डलती है और इसमें काफ़ी सारे फंक्शन हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं इन फंक्शन के बारे में। सबसे पहले अगर हम ऑन बटन ऑन करते हैं तो ये पहले एक ब्लैंक स्क्रीन आती है, उसके बाद जब आप दोबारा ऑन करेंगे तो ये दोबारा एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे एक टाइम चल रहा है। तो इस टाइम को आप ध्यान से देखिए, ये टाइम आपका एक क्लॉक का काम भी करता है। तो इसको सेट करने के लिए ये तरीका होता है फिगर आउट करने के लिए कि इसको एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है उस समय बनाने के लिए। और ये जो फॉर्मेट है वो 24 आवर का फॉर्मेट है, यानी 1 बजे वो 13 दिखाएगा, अगर 2 बज रहे हैं तो 14 दिखाएगा, इस तरह से ये फॉर्मेट है। तो चलिए हम इसको चेंज करने के लिए, टाइम सेट करने के लिए एक जानते हैं कि कैसे होगा। ये किसी भी बटन से सेट नहीं होगा अभी फ़िलहाल। इसका तरीका ये है कि आप जब पहली बार इसमें फर्स्ट टाइम सेल डालेंगे, ये देखिए सेल को मैंने निकाल दिया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम इसमें सेल डालेंगे ये तभी सेट होता है। तो हम लोग जल्दी से सेल लगा लेते हैं। ये देखिए, हमने सेल लगा लिया, फिर से ट्राई करते हैं। आपको सेल लगाते हुए कोई भी बटन नहीं दबाना है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये ब्लिंक कर रहा है, ये हल्का हल्का हल्का, ये देखिए ब्लिंक कर रहा है। तो आपको इसी समय उसको सेट करना है। आप टाइम देखिए कितना हो रहा है, तो देखिए आपको सीधा ये प्लस वाला बटन है जहाँ से आप एसी का एडजस्ट करते हैं, इसको दबाए रखेंगे तो जिस हिसाब से देखिए ये मूव कर रहा है, ये देखिए, अगर आपके पास कितना भी टाइम हो रहा है आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए धीरे 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 करके मूव कर रहा है, 5 6। अभी 10 बज के 10 मिनट हो रहे हैं, तो हम इसको 11 मिनट 12 मिनट और आगे कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा 10 बज के 40 मिनट पर हम इसे सेट कर देते हैं। और ये हमने सेट करने के बाद हम इसका ऑन बटन दबा देंगे। ये हमने ऑन बटन दबा दिया है, तो ये देखिए 10 बज के 40 मिनट के बाद आपकी ये टाइम का काम भी करेगा, ये तो आपकी क्लॉक बन गई है। तो अब हम इसको लगा देते हैं, ये आपका परमानेंट सेट हो गया। जब आप इसका सेल हटाएंगे ये तभी चेंज होगा। अब बात करते हैं हम अपने एसी के बारे में, एसी किस तरह से काम करना है ना। तो सबसे पहले हम इस रिमोट में ही ऑन बटन दबाते हैं। चलिए चलते हैं सीधा एसी के पास। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इस वेले ऑन बटन दबा दिया, तो ऑन होते ही देखिए एसी ऑन हो चुका है। एसी का जो पैनल है वो धीरे धीरे खुल रहा है और देखिए ऊपर टेम्परेचर भी लिख के आ गया है इसमें। तो अब हम इसके सारे मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले है ये मोड ऑप्शन, इसमें देखिए सबसे पहले जो रिमोट में आ रहा है वो ऑटो मोड है। ऑटो मोड इसका फ़ैन स्पीड और जितनी भी आपको टेम्परेचर आप खुद सेट करेंगे, लेकिन जितना भी इसमें एयर मोड है, टेम्परेचर मेंटेनेंस, ये खुद ही करेगा ऑटो मोड, जो कि हर एसी में ऐसा होता है। ऑटो मोड के बाद हम मोड को फिर से प्रेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे कूल मोड आ गया है। ये ऑटो मोड से आपको कूल मोड डायरेक्ट ठंडा करेगा, इसमें आपका मैनुअल कंट्रोल हो जाता है। कूल मोड के बाद ड्राई मोड आ जाता है। बहुत से लोगों के मतलब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा रूम में ह्यूमिडिटी होती है, तो ये ड्राई मोड का ऑप्शन है कि ये सारी ह्यूमिडिटी को एब्जॉर्ब करके रूम को ह्यूमिडिफाई से बचाता है। ये देखिए सिंपल फ़ैन भी बन जाता है, ये फ़ैन मोड आ गया है। अब
इसके आगे फैन मोड चलेगा, एसी बंद हो जाएगा, केवल फैन फैन चलेगा इसमें। केवल इसमें चार मोड हैं, बहुत से एसी में हीट का ऑप्शन भी आता है, हीट मोड भी रहता है, तो हीट मोड तो इसमें नहीं है, केवल चार मोड है, ऑटो, कूल मोड और ये देखिए ड्राई मोड, और ये आ गया आपका फ़ैन मोड। तो चलिए जानते हैं, अब ये फ़ैन है, इसके बाद ये फ़ैन हमने इसे कूल मोड पे लगा दिया है पहले, अब हम देखेंगे फ़ैन। फ़ैन की देखिए ये जो फ़ैन के लाइन चल रही है, हम इस पर क्लिक करेंगे, ये फ़ैन की एक स्पीड, ये फ़ैन की मिड स्पीड और ये फ़ैन की हाई स्पीड, ये तीनों आपके पास सेटिंग है इसके पास तीनों फ़ैन की स्पीड के लिए। तो अब ये सिंपल फंक्शन है आपका टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमने कर दिया है कम। कूल मोड पे आप मैक्सिमम ये मिनिमम आप इसको माइनस 16 डिग्री पे ले जा सकते हैं, और आप इसमें प्लस करते हैं तो आप मैक्सिमम इसको 31 तक ले जा सकते हैं। तो आइडल टेम्परेचर जो एसी के लिए होता है, जो कि आपको एनर्जी सेविंग भी देगा, वो 24 रिकमेंडेशन होता है कि आप 24 पे चलाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब बात करते हैं चलिए दूसरे ऑप्शन के ऊपर, टाइमर मोड। जैसा ये होता है कि अगर आपका अपने रूम के हिसाब से देखिए कि आपका कब तक वो ठंडा हो जाता है, आपको 1 घंटे चलाना है, 2 घंटे चलाना है, तो ये ऑप्शन भी अच्छा है इसमें। तो हम टाइमर मोड के लिए इसको ऑन करेंगे। देखिए टाइमर मोड के लिए ऑन किया तो देखिए ऊपर की तरफ, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, ये क्लॉक बन के आ गया है। तो आपको इसमें 0.30 मतलब आधे घंटे का टाइमर ऑलरेडी सेट है, आप इसमें प्लस माइनस करिए, ये आधे आधे घंटे से बढ़ता रहेगा। जैसे आपको 3 घंटे चलाना है या 3.5 घंटे चलाना है, तो आप इसको 3.5 पे सेट करके टाइमर का बटन दोबारा दबा दीजिए, ये टाइमर सेट हो गया है। और देखिए ऊपर आप ये देखिए एसी पे आप जब आप इसको टाइमर का दबाएंगे तो 3.5 लग गया है इसमें, इसका मतलब ये है कि 3.5 आवर्स के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा, यानी 3.5 घंटे के बाद ये अपने आप काम करना बंद कर देगा, मतलब टाइमर मोड इसका ऑन हो जाएगा। तो टाइमर के लिए ये होता है, एक बार आप रिमोट से इसको सेट करें और दूसरी बार इसको टाइमर दबा के आप इसमें कर दीजिए, और एसी इसको एक्नॉलेज करेगा, एसी में भी शो हो जाएगा ये कि आपने क्या टाइमर लगाया है। तो टाइमर मोड इसमें ऐसे काम करता है। फिर बात करेंगे इसमें सुपर मोड के लिए, ये देखिए ये बटन है, अगर आप एकदम बहुत ज़्यादा हीटिंग वाला माहौल है और आपको एकदम एसी चिल चाहिए, तो आप सीधा करिए आप सुपर बटन दबा दीजिए। सुपर बटन दबाएंगे तो देखिए 16 डिग्री के लिए वो सेट हो गया है, वहाँ पे डायरेक्ट ये अपनी हाई कैपेसिटी में काम करना शुरू कर देगा, और सुपर मोड का सिंबल यहाँ पे भी शो हो गया है, ये देखिए सुपर मोड का सिंबल यहाँ पे शो हो गया है एस करके, और वहाँ पे भी उसने 16 डिग्री एसी में भी दिखा दिया है देखिए। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि ये अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी में यूज़ हो जाता है -16 डिग्री में, और फुल फैन स्पीड के साथ ये काम करना शुरू कर देता है और बहुत जल्दी ये ठंडा करता है, लेकिन हाँ इससे कंजप्शन आपका बहुत बढ़ जाएगा। तो सुपर बटन के साथ इसके साथ देखिए एक दूसरा ऑप्शन भी है, और अगर आपको ये देखिए हम इसको दबाते हैं तो आप देखिए यहाँ पे एक लीफ का बटन आ गया, इसका मतलब है इको मोड, ये आपका बहुत ज़्यादा बिजली कंजप्शन कम कर देगा, ये इको मोड है। जैसे कि आप इकनॉमी में एक्टिवा वगैरह भी चलाते हैं तो इकनॉमी मोड मतलब ईजीली एनर्जी सेविंग मोड, तो सुपर के साथ ही आपके पास एक और ऑप्शन है एनर्जी सेविंग मोड, तो ये आप इस बटन से कर सकते हैं। अगले बटन पर चलते हैं, दूसरा बटन है, हम इसको नॉर्मल ले आते हैं पहले सुपर मोड। देखिए अब हम इसको सुपर से हटाया, देखिए ये इसमें सुपर लग गया है, और देखिए शायद कैमरे में, और देखिए अब इसमें इको लग गया है, अब इसमें कोई मोड नहीं है, नॉर्मल काम कर रहा है। तो अब देखिए अगले में चलते हैं हेल्थ मोड, इसमें हेल्थ मोड में एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस एसी में सबसे खास बात है इसकी जो मेम्ब्रेन है वो बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल मेम्ब्रेन है, और ये देखिए इसमें हमने हेल्थ मोड एक्टिवेट कर दिया तो इसकी मेम्ब्रेन का ऑप्शन आ गया, ये आपको फ्रेश एयर प्रोवाइड करेगा, ये एक हेल्थ मोड का इसका काम है। ये देखिए अब आपके पास जो एयर आ रही है वो फिल्टर होके आ रही है, तो ये हेल्थ का मेम्ब्रेन। हाँ इसमें थोड़ा सा कूलिंग का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है कूल मोड को लेके, लेकिन ये आपको जैसे आपके यहाँ डस्ट एरिया है, आप वैसे चाह रहे हैं कि आपको एक अच्छी कूलिंग मिले, तो ये उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। हेल्थ में एक हिडन फीचर है, देखिए अभी हम इसको बंद कर देते हैं, और हेल्थ के बटन को अगर आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, 3 सेकंड के लिए, देखिए ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन डेवलप हो गया है, और आप इसको ये आपका 3 सेकंड के लिए आपने हेल्थ प्रेस किया, ये एक ऑप्शन आ गया इसमें, अब आप इसमें स्विच ऑफ का बटन दबा दीजिए। ये देखिए अब आप इसको देखिए, हमारे एसी में कोई टेम्परेचर नहीं आ रहा है, हमारे एसी में केवल शो हो रहा है ये दो डॉट,
अब इस फंक्शन का जो फीचर है इसको बोलते हैं माइल्ड ड्यू। इसका मतलब ये है कि ये एसी अपने इंटरनल जो भी इसमें ड्यू जमी हुई है वो ये एक तरह से क्लीनिंग कर रहा है एसी को, तो ये अपना थोड़ी देर चलेगा और ये अपने आप बंद हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ये अपने आप को क्लीन करके ये अपने आप को जो भी इसके अंदर डस्ट वाटर मॉलिक्यूल जमा हो रखे हैं ये इसको वेपराइज करके ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये एक क्लीनिंग का भी प्रोसेस है, रस्टिंग से इसको बचाता है। ये इसका एक हिडन फीचर भी दिया हुआ है इस हेल्प मोड के अंदर। अगर आपको इसको बंद करना है ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जैसे ही क्लीन कर देगा। अगर आपको इसको बंद करना है तो आप स्विच ऑफ करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं। ये इसका सबसे कमाल का फीचर है, ये देखिए इसका ये है फ्लेक्स मोड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी ये 1.5 टन का एसी है और 1.5 टन में वर्क कर रहा है। अब ये देखिए हम इसमें हेल्थ मोड को हम इसमें अभी हम दबाते हैं। ये देखिए अब ये C1 का मतलब क्या है, C1 का मतलब आप यहाँ पे देखिए हमने इसको एक बार दबाया ये आ गया 1.2 में। तो हम इसको C2 पे लाएंगे, C2 पे आ गया है 1 टन पे। अब हम इसको C3 पे लाएंगे, ये देखिए ये आ गया 0.8 टन पे। अब हम देखिए इसको C4 पे लाएंगे, ये आ गया है 0.6 टन में। मतलब ये 1.5 टन का एसी 0.6 टन पे ही वर्क कर रहा है और ये आपका हाफ हो गया है जस्ट एसी। और आप सोचिए कितनी बिजली इसमें बचेगी। अब देखिए इसमें हम एक और मोड है C5। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, रूम में काफ़ी लोग हैं, तो 1.7 पे भी काम करने लगेगा। तो ये 1.5 टन का एसी 1.7 टन का बन गया है, ये काफ़ी बहुत अच्छा फीचर है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए हम अगले फीचर के बारे में जानते हैं, स्विंग। इसमें अब दो तरह के स्विंग हैं, एक तो ये देखिए स्विंग का ऑप्शन इसमें आ जाता है। एक तो ये स्विंग हमने कर दिया है, ये देखिए एक तो ये खुदिल रहा है और एक इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग। वर्टिकल तो ये कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे वर्टिकल भी एक्टिवेट हो गया और ये अंदर जो है इसके वो भी बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, ये वाले जो इसके ब्लेड्स हैं ये देखिए। तो ये फोर वे स्विंग का ऑप्शन इसके अंदर है। चलिए अब अगले फीचर के बारे में बात करते हैं, स्लीप मोड। तो स्लीप मोड में इसमें आपको जैसे इसमें अगर ये डिस्प्ले शो हो रहा है आप इसमें क्लिक करें, ये देखिए ये डिस्प्ले चला गया। आप इसको कम भी कर सकते हैं, डिस्प्ले बहुत कम हो गया है और देखिए ये कम हो गया है, ये बढ़ गया है। ये इसका स्लीप मोड का फीचर है। आपको साइलेंट में कोई भी नहीं चाहिए तो आप इसको कोई भी लाइट नहीं चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगले फीचर्स के बारे में बात करते हैं, ये है एम्बियंट मोड। एम्बियंट मोड का फीचर देखिए, ये आपको एक तो आउटडोर यूनिट का टेम्परेचर बताता है 33, और इसी के साथ एक फीचर होता है कि रिमोट में एक टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, आप इसको 3 सेकेंड प्रेस करिए। ये देखिए इसमें एक स्माइल बन के आ रही है 3 सेकंड प्रेस करके। अब ये हमारा जो एसी है ये रिमोट से लेगा कि आपको क्या फील हो रहा है टेम्परेचर, उसके हिसाब से एडजस्ट करेगा। तो एक बार और करके देखते हैं, ये देखिए अब ये 24 पे है। अब हम इसको मोड को ऑन करेंगे, जैसे ही हमने ऑन किया ये देखिए ये 32 दिखा रहा है कि अभी हमारा रूम टेम्परेचर है। तो ये आप इसको एम्बिएंट मोड को दबाने के बाद जब इसमें स्माइल का सिग्नल आना है तो आप इसको एम्बिएंट मोड दबाएंगे तो ये आपको शो करेगा कि आपको क्या टेम्परेचर फील हो रहा है। तो अभी हमारे रूम का टेम्परेचर 32 है तो ये वही फील कर रहा है, उसके हिसाब से ये एडजस्ट करेगा। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, ये आई फील फीचर बोलते हैं इसको, कि हम क्या फील कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एडजस्ट करें। तो दोस्तों इसमें बटन तो इसमें 12 बटन है, लेकिन इस 12 बटन में भी अलग अलग ऑप्शंस हैं। आपने देखा कि टाइमर का बटन, हेल्थ का बटन के साथ डबल फीचर है, एम्बिएंट के साथ डबल फीचर है, सुपर मोड फ्लेक्स मोड के साथ डबल फीचर है। तो ये काफ़ी अच्छे इसमें डबल ऑप्शन के भी फंक्शंस हैं। आप उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस एसी में काफ़ी बहुत हिडन फीचर्स और इस रिमोट में काफ़ी ज़्यादा फीचर्स दिए हुए हैं। आप अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपको थोड़ा सा काम आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को बहुत प्यार दें, लाइक करें वीडियो को, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।